बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त गांव हूँ और ज़मीनों पे हूँ, ये छोटा सा सेटअप है। मैंने एक वीडियो की थी छिंगा मछली के बारे में। छिंगा मछली इलाके को फतह करने के लिए और कब्ज़ा करने के लिए और रोब जमाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करती। जब वो एक दूसरे के सामने आती हैं तो अगर कोई डर जाए तो वो भाग जाती है, नहीं तो वह गुत्थम गुत्था होती हैं, नहीं तो वो एक दूसरे को उल्टा करके जीती हैं, नहीं तो एक दूसरे को मार भी देती हैं। जो एक दफ़ा जीत जाती है वो खुद को बड़ा महसूस करती है, उसे लगता है कि मैं दूसरों से बड़ी हो गई, और जो हार जाती है वो छोटा महसूस करती है। उनके जिस्म से केमिकल निकलता है और उसके बाद जो जीत जाती है उसके सामने कोई नहीं आता, हर कोई डरता है उससे, और जो हार जाती है वो किसी के मुकाबले में जाके खुद ही आजमाती है। दुनिया में 2604 अरब पति हैं और उनमें से एक को भी कोरोना नहीं हुआ। पता है क्यों? उसकी रीज़न ये नहीं कि वो लोहे के बने हैं, वो सुपर मॉडल ह्यूमन बीइंग है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप मुसलसल जीते हैं या आपको जीतने के टैक्स, कुछ अचीव करने के टैक्स आते रहते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम बड़ा बेहतर होता है। अचीवमेंट से आपका मदाफती निज़ाम सर्कुलर होता है, आपकी सेहत बेहतर होती है। उनमें से किसी 6 में से एक ने भी अपनी रूटीन के वर्क नहीं छोड़ी, एक्सरसाइज नहीं छोड़ी। उनके दफ्तर बंद है लेकिन वो रेगुलर दफ्तर जाते हैं, दफ्तर बैठते हैं, दफ्तर में काम करते हैं। सोशल मीडिया या टीवी देखना बंद कर चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं देखते। उसके अलावा उन्होंने अपनी खुराक पे बड़ा कंट्रोल किया हुआ है, वो हेल्दी किस्म की खुराक खा रहे हैं। उसके बाद ये एहतियाती तदाबीर जितनी भी हैं वो अपना रहे हैं, मतलब वो सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, हाथ धोते हैं, आइसोलेशन सारी चीज़ें करते हैं। उनमें से 100 मिलियनर कोरोना के फौरन बाद किताब पब्लिश करने वाला है, वो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ रहे हैं। इसका मतलब मैं खुदा ना खासा ये नहीं कर रहा कि वो इस वजह से कोरोना से बचें, वो अपनी रूटीन और एक सुपर मॉडल की वजह से, मुझे हो सकता है किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन 2604 जिनके पास 850 करोड़ हर एक के पास दौलत है, इससे ज़्यादा हो सकती है, मुराद ये उनकी ज़िंदगी इतनी सुपर मॉडल है कि उनको क्यों नहीं हुआ, उनकी लाइफस्टाइल की वजह से। अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, हम और मैं और तुम सब उस एरिया में, उस सर्कल में जा सकते हैं जहाँ वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उम्मीद है मेरी ये बात तुम्हें पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत